नमस्कार, मैं स्वाति द्विवेदी आप सभी दर्शकों का मेट्रो मुंबई में स्वागत करती हूँ। कोरोना के मुश्किल समय में जहां महाराष्ट्र में अस्पतालों में खून की उपलब्धता की कमी महसूस की जा रही है और इस हेतु राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी अपने वक्तव्य में इस समस्या को उठाते हुए लोगों से रक्तदान करने की अपील की है। बोरोवली में गोपाल शेट्टी ने आज अपनी उपस्थिति में रक्तदान कैंप आयोजन करने के लिए भारी मात्रा में संग्रह किया है। राज्य में अस्पतालों में आज रक्त की भारी कमी महसूस की जा रही है। ऐसे में अस्पतालों में आने वाले रोगियों का जीवन खतरे में है। इस समस्या से अस्पतालों को राहत दिलाने और लोगों की जीवन रक्षार्थ बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी के नेतृत्व और उपस्थिति में आज बोरीवली में रक्तदान कैंप का आयोजन किया गया, जो सफल रहा। यह रक्तदान कैंप होटल व्यवसायी हरीश शेट्टी के सहयोग से लिंक रोड बोरीवली स्थित लिंक व्यू होटल में संपन्न हुआ, जहां होटल व्यवसायी हरीश शेट्टी, एनसीपी नेता हरीश शेट्टी और सांसद गोपाल शेट्टी के साथ कई व्यवसायी उपस्थित थे। इन सबकी मौजूदगी में भारी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। ज्ञात हो, गोपाल शेट्टी का अपने लोकसभा क्षेत्र में कम से कम 5000 यूनिट जमा करने का लक्ष्य है। यह रक्तदान शिविर इसी कड़ी का एक हिस्सा था, जो सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक चला। इस अवसर पर उपस्थित व्यवसायियों ने हमारे संवाददाता गीता यादव को बताया कि हम व्यवसाय करने के साथ हमेशा सामाजिक सरोकारों में भी संलग्न रहते हैं, परंतु वर्तमान शिवसेना की सरकार न तो जनता का ख्याल रख पाती है और न ही हम व्यवसायियों का। यह गंभीर विषय है। गलत टाइमिंग के साथ कोरोना को लेकर किए जा रहे नाइट कर्फ्यू या लॉकडाउन से जनता जहां अपनी रोजी रोटी को खो रही है, वहीं हमारा व्यवसाय ठप पड़ा है। इस सरकार के रहते हमें गंभीर परिणाम भुगतने पड़े। सर, आज यहाँ पे मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है, क्या कहेंगे? जिस तरीके से कोरोना लगातार अपने पांव पसार रहा है और मुंबई में देखा जाए तो सबसे ज्यादा ब्लड और बेड की कमी है, जैसे कि उद्धव ठाकरे ने कल ही कहा कि हम मुंबई में सबसे ज्यादा ब्लड की कमी हो रही है और बेड की, तो उसके लिए आपने क्या सुविधाएं कराई है लोगों को? हमारा खासदार साहब गोपाल शेट्टी साहब ने 5000 बॉटल ब्लड का डोनेट करने के लिए उसने संकल्प लिया है। उसी सर ने हम लोग ने होटल वाला सब मिलके कि हम लोग वाला कम्युनिटी, मतलब हम लोग का बिल्ला एसोसिएशन है, हम लोग का बंड संघ है, हम लोग आहार एसोसिएशन है, हम लोग सब मिलके वाला गोपाल शेट्टी की सपोर्ट के लिए हम लोग ने किया। हम लोग लास्ट टाइम लॉकडाउन में भी हम लोग ने खाना देने का किया था। खाना हम लोग ने 2 महीने तक हम लोग लगातार खाना भी बांटा और रेशन भी बांटा था हम लोग ने सब सारे होटल वाले मिल के उत्तर मुंबई का। अभी हम लोग ने गोपाल शेट्टी साहब का जो संकल्प है 5000 बॉटल का, वो फुलफिल करने के लिए हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं जितना होता है उतना हम लोग बॉटल का खून का। अभी खून का बहुत कमी है एक्चुअली। हम लोग होटल वालों को तो बहुत प्रॉब्लम है। अभी हम लोग कोई कुछ भी करने जैसा नहीं है एक गवर्नमेंट के हालत से, फिर भी हम लोग होटल बंद रख के आज ब्लड कैंप का कैंप रखा है यहाँ पर। अभी जो वापस से लॉकडाउन का अनाउंसमेंट होने वाला है, क्योंकि लगातार केस जो बढ़ रहे हैं, उसके बाद अगर होटल विभाग को देखा जाए तो कितना नुकसान होगा उससे? होटल वालों को बहुत ही नुकसान है। हम लोग का अभी ये महीने में जो फार्मर लोग सुसाइड करता था, उससे 3 होटल वाले ने सुसाइड कर दिया होटल पे, 3 जन ने। हम लोग ने गवर्नमेंट को इसका ऐलान भी किया कि हम लोग का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। अभी लाइसेंस फीस के बारे में हम लोग को कुछ राहत नहीं मिला। अभी हम लोग का 8 बजे होटल बंद है। ये होने के बावजूद भी हम लोग सभी होटल वाले मिल के तो भी हम लोग होटल बंद करके आज गवर्नमेंट को हम लोग सपोर्ट कर रहा है। गवर्नमेंट भी हमको सपोर्ट करे, ये हम लोग को उम्मीद है। अभी तक सुबह से कितने बॉटल यहाँ पे डोनेट हो चुके हैं ब्लड के, कितने आप लोगों ने कितना जमा किया है? हम लोग ने अभी तक 125 किया है। अभी का 25 का तक और सोच सकते, 150 तक हो जाएगा हम लोग। अभी इसके बाद भी अलावा भी कहीं आप लोग ऐसे मेडिकल कैंप करने वाले हैं? हम लोग सोचा है, मतलब 4 जगह पे आज चल रहा है हमारा उत्तर मुंबई में, तो हम लोग सोचा है कि और ब्लड कम पड़ेंगे हम सब होटल वाले भाई लोग मिलके दे देंगे। इसमें हमारा होटल ओनर्स एंड स्टाफ इंक्लूडिंग, साथ में स्टाफ भी हमारा क्लून देख के गया आज। सर, क्या कहेंगे, किस तरीके से मेडिकल कैंप का आयोजन किया? मैंने आज ये ब्लड डोनेशन के कैंप को अपना MP गोपाल शेट्टी ने इनॉग्रेशन किया। हरिशनगर अभी लिंकू का ये हरीश शेट्टी के नेतृत्व में रवि सब लोग हम लोग सब कम्युनिटी वाला साथ में उसको इनॉग्रेशन में,
और सबसे खुश के बोले थे सब होटल का लड़का लोग अपना, हम लोग सब सेठ लोग बोला बोल के हम लोग खुशी से आके ब्लड दे दिया, अलग अलग कम्युनिटी वाला भी आके ब्लड दे दिया सबको। वो लोग हम लोग खुशी से बोलने का बोले तो हम लोग को गवर्नमेंट की तरफ से सब कुछ मदद मिलना मांगता था। अभी 8 बजे बंद करके सब होटल वालों को पगार देने का भी नहीं होता है, धंधा में 25% का धंधा भी नहीं होता होते, फिर भी हम लोग को अपना गोपाल सेठ की तरफ से राणे तरफ से गवर्नमेंट के ऊपर थोड़ा प्रेशर करने के लिए हम लोग रिक्वेस्ट किया, वो लोग अपने को मदद करते बोल के बोला था। सब तरह से देखो तो होटल वाला हर एक चीज़ में सबसे पहले लिंकू होटल में हम लोग को कोई भी किधर भी खाना चालू नहीं था, जो हम लोग खाना चालू करके सब जैसे फ्री में बांटा था, 1,000 स्टार्ट करके 10-15,000 तक हम लोग सब खाना देता, वो भी गवर्नमेंट को हम लोग जो भी होटल से तरफ से जो सुविधा देने का था वो सब कुछ दे रहे हम लोग। अभी सबसे के बोले तो अपना मोस्टली 90% बच्चों लोग काम करने वाला आया था, अभी उसको कौन सा पालो कैसा उसको पकड़ दे वो अपनों को टेंशन रहता है। एक बार वापस लॉकडाउन किधर भी गवर्नमेंट अपने को अनाउंस करेगा तो होटल बिजनेस पूरा कलस होने वाला था, ये उसका तरफ से हम लोग सबसे तरफ से गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर डालते हैं हम लोग को मदद करो, मदद नहीं करेगा तो क्या होता मालूम है ना, अपनों काले ओनर लोग नहीं है, सब वर्कर लोग का घर वालों को भी बहुत प्रॉब्लम है वाला है, उसका तरफ से हम लोग सब कुछ आप लोग कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो तो ब्लड बॉम्बे में कम है बोल के चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया, उसके लिए सब बच्चों लोग से ये करके आज का बहुत बड़ा प्रोग्राम बोल रहे हैं, क्यों 100 से अभी 125 तक हर्षण ने बोला 150 को ऊपर करने का अपना इरादा है, सब तरह से हम लोग होटल वाले ने उसको मदद कर रहे हैं। सर क्या कहेंगे आज मेडिकल कैंप का आयोजन किया, काफ़ी अच्छी तरीके से किया, काफ़ी लोग डोनेट कर रहे हैं, क्या कहेंगे युवाओं को खास करके? नहीं हम लोग का तो ये तो एक शुरुआत है हम लोग का, मतलब हम लोग हर टाइम कैलेमिटीज़ के टाइम, फॉर एग्जांपल कोविड में हम लोग ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को बहुत सपोर्ट किया है, हम लोग फूड पैकेट सब देके सब बीएमसी वर्कर्स लोग को, पुलिस वाले को, इवन अपना डॉक्टर्स लोग को सब हम लोग ने, पहला कोविड जब स्टार्ट हुआ इनिशियली मार्च में 2020 में उसी टाइम हम लोग ने स्टार्टिंग से विद इन 10 डेज में हम लोग ने ये सब काम चालू किया था, हम लोग हमेशा हेल्पफुल है। अभी हम लोग ने आप लोग का खासदार गोपाल शेट्टी साहब ने हम लोग को एक डायरेक्शन दिया, वो हिसाब से हम लोग अभी ब्लड डोनेशन कैंप चालू किया है, हम लोग हो सके उतना हाईएस्ट ब्लड डोनेशन कैंप करके देने वाले ब्लड देने, क्योंकि महाराष्ट्र का अपना सब आम जनता को इसका ज़रूरत है इसके लिए। ऑलरेडी मुझे आज सुबह मालूम पड़ा कुछ का 7 या 8 डेज का कल रिजर्व है ब्लड, तो हम लोग ये कैंप आज 4 जगह पर चालू है, ऐसा हम लोग कंटिन्यूस करते रह गए, हमारा योगदान पूरा दे गए और आगे हम लोग वैक्सीन का भी सोच रहे, आगे वैक्सीन करके सबको जितना हो सके अपना ग्रुप में सब वैक्सीनेशन करके सबको सेव करें, मगर प्रॉब्लम ये इधर हम लोग एंड नहीं होता, हम लोग खाली गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट करता है हमें भी जीने दो, गवर्नमेंट से हमको भी सपोर्ट चाहिए। फॉर एग्जांपल जो रात को टाइमिंग उन्होंने बंद किया है 8 बजे से 11, 8 बजे का पहला 10% खाली बिजनेस होता है, 90% हमारा बाद में 8 बजे का होता है, हम लोग गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं दोपहर को आप रखो 3 बजे से 7 बजे बंद रखो, वो एक टाइम बंद रखो, तो हम लोग को क्या होता है तो हम लोग को शाम को 8 बजे से 11 बजे 12 बजे तक हम लोग बिजनेस करेगा तो हम लोग का थोड़ा रेवेन्यू करेगा, गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू दे सकते हैं, हमारा स्टाफ भी सर्वाइव होएगा। अभी हम लोग का स्टाफ लोग सब बोलते हैं हमको गांव जाने का, हम लोग अभी भाग जाएगा क्योंकि लॉकडाउन होगा तो लास्ट टाइम परेशान हुआ मालूम है उनको, तो हम लोग इतना ही गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता है, हम लोग हमेशा आपको सपोर्ट करता है, अभी वैसे भी नहीं सालों से हम लोग गवर्नमेंट को हमेशा सपोर्ट, हमारा खुद भी प्रॉब्लम पहला गवर्नमेंट पुलिस डिपार्टमेंट बीएमसी होटल वाले के पास जाते हैं, आज इतना जन का खाना मांगता है इतना जन का मांगता है, हम लोग कभी किसी के लिए ना नहीं बोले, रस्ते पे जाने वाले को भी हम लोग पानी देते हैं सब कुछ, हम लोग होटल इंडस्ट्री का ऐसा इंडस्ट्री है कि गवर्नमेंट को हाईएस्ट रेवेन्यू भी देता है और सब हाईएस्ट सबको मिलजुल के रहता है, सबको सपोर्ट करता है, हमारा एक एक होटल में 50 से 60 आदमी काम करते हैं, इतना जन का घर चलता है उस पर, तो अगर गवर्नमेंट 8 बजे के बाद बंद करेगा तो हम लोग को 90% हमारा बिजनेस लॉस होगा, हमारा घर का खर्चा नहीं निकलेगा, हमारा स्टाफ का छोड़ो, इसके लिए गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं हमारे बारे में कुछ सोचो, हम लोग हमेशा महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए सपोर्ट में रहेगा, वही मेरा कहना था। भले भले सर, ये जो नाइट कर्फ्यू लगा है इससे होटल को डिपार्टमेंट को कितना नुकसान हो रहा है, और अगर 2 दिन का वक्त दिया था उद्धव साहब ने कि 2 दिन के बाद अगर नहीं कुछ हुआ तो वापस से लॉकडाउन की सोच रहे हैं लॉकडाउन लगाने के लिए, तो उससे कितना नुकसान होगा? लॉकडाउन में हम लोग को तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये रवि शेट्टी ने जो बताया 10% बिजनेस हमारा 8 बजे तक होता है, उसके बाद जो भी बिजनेस होता है उसके बाद का बिजनेस है, बट हमारा सर्वाइव नहीं हो सकता,
हम लोग जब भी शटर खोलते हैं हमारा खर्चा चालू हो जाता है। छोटा आइडिया देना चाहते हैं अपने हिसाब से, जैसे उद्धव जी ने कहा कुछ आप लोगों की अगर आइडिया हो। आइडिया यही है कि कम से कम 11 बजे तक तो रोज कम जो बढ़ रहे हैं कोरोना के, नहीं हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम भी सपोर्ट करना चाहते हैं, बट क्या होता है कम से कम 11 बजे तक को भी देवे ना तो भी हम लोग सर्वे हो सकता है। इसमें कमाने का वो कुछ भी नहीं, लाइसेंस फीस भरने का है तो हमको इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, बच्चों को पगार देना है, सर्वे होने के लिए हमको 11 बजे तक धंधा करना पड़ेगा। धंधा नहीं करेगा तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे सब होटल। हमारा क्या कहेंगे आप लोग तो सत्ता में हैं, क्या कहेंगे गवर्नमेंट फिर से लॉकडाउन लगाने के? सत्ता में है इन सरकार इनकी, वापस से आप देख रहे हैं किस तरीके से होटल डिपार्टमेंट इसको हम लोग सत्ता पकड़ के इधर लाए। अभी लॉकडाउन के भी अनाउंसमेंट कर सकते हैं, 2 दिन का समय दिया था, हो सकता है, तो आप क्या चाहते हैं कि किस तरीके से हो? देखिए पहली बात तो आपने कहा कि हम सत्ता में हैं, सत्ता में जरूर है, लेकिन जो भी निर्णय लेते उद्धव जी लेते तो सत्ता का कोई कसूर नहीं है, सत्ता में जरूर है। हम मिलके पवार साहब से भी इसके बारे में डिस्कस होता है, पवार साहब हमारे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं होटल इंडस्ट्री किस तरह से चल रही है, क्या प्रॉब्लम्स हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन यहाँ पर मुद्दा यह है कि 3 जन की सरकार होने की वजह से तीनों जन एक ही बात करते उद्धव जी के बारे में बोलते हैं, यानी उद्धव जी चाहते लॉकडाउन हो, बाकी हमारा दोनों कांग्रेस और राष्ट्रवादी चाहते लॉकडाउन नहीं होना चाहिए और हकीकत में नहीं होना चाहिए। क्या एक ही पर्याय उनको मिलता है? वो कहते हैं कि मुझे आइडिया दो, आपको आइडिया के लिए तो आपको बिठाया, आप CM क्यों हो? जनता की रक्षा के लिए आप बैठे हो तो आपका कर्तव्य बनता है कि आपके IAS IPS है, सब आपके पास भर भर के डिपार्टमेंट पड़ा है, उनसे सलाह लीजिए ना, आप पब्लिक से क्या सलाह ले रहे हो? आपको आपके पास कैपेसिटी है करके लोगों ने आपको चुन के दिया है, ये आप ये नहीं कह सकते आप कहिए आप क्या हिसाब से आप करना चाहिए करके। ये उद्धव जी का काम है, हमारा काम नहीं है उसका आइडिया लेने का। लेकिन उनका जो वसूली का धंधा चालू है, हर ऑफिसर को 50-50 हज़ार का जो उन्होंने टारगेट दिया है वो बिल्कुल गलत है। आज वसूली वाली सरकार कहते हैं, लोगों के ऊपर गुस्सा निकालने वाली सरकार कहते हैं, ये सब हमको भी दाग पड़ता है ना, हमारे शरद पवार साहब के ऊपर भी दाग पड़ता है। तो मैं यही चाहता हूँ कि ये कुन्नसबाजी ना करते हुए एक जनहित के बारे में सोच के, जो हमारे लिए जब से होटल बंद हुआ कोई भी रियायत मिली हमें, GST हम लोगों से लिया गया, इनकम टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, ईच एंड एवरी टैक्स हम लोग पे कर रहे हैं, BMC का ईच एंड एवरी टैक्स हम पे कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए क्या है? आज मानवता की दृष्टि से जो गवर्नमेंट का काम है वो हम लोग कर रहे हैं, होटलाइजेशन और बंड्स एसोसिएशन सब मिलके हम लोग कर रहे हैं, लेकिन भारत अपना महाराष्ट्र गवर्नमेंट का भी योगदान बनना चाहिए ना हमारे लिए, हम दिन रात मेहनत करके हम लोगों के लिए करने का, जैसा हम मानव धर्म कर रहे गवर्नमेंट से भी हमारी अपेक्षा है उन्होंने अभी अपना मानव धर्म पालन करे। धन्यवाद। हाँ। नाइट कर्फ्यू लगा है, इससे आप लोग का बिजनेस में कितना नुकसान होटल? वो तो ऑलरेडी उन्होंने कहा, हाँ। 10% भी धंधा नहीं है, तो आप सोचिए हम 10% के अंदर हम क्या वर्करों को पगार दे, क्या इलेक्ट्रिसिटी भरे, क्या इनका GST भरे, क्या इनकम टैक्स भरे, क्या भरे, हम बर्बादी की ओर जा रहे हैं, हम लोग पूरा महाराष्ट्र डाउन हो जाएगा अगर हम लॉकडाउन की ओर गए तो। मेरी रिक्वेस्ट है उद्धव जी से, हाथ जोड़ के विनंती करता हूँ उनसे कि उन्होंने ये लॉकडाउन के बारे में गलती से भी सोचे नहीं। हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने, राज्य सरकार ने कुछ दिनों पहले अपील की थी, आह्वान किया था कि अपने पास ब्लड ही नहीं है, यानी अभी 7 दिन का ब्लड बाकी है। इस आह्वान को सुनते ही हमारे सम्माननीय खासदार गोपाल शेट्टी साहब ने तुरंत इसके पे हमारे हमको मीटिंग बुलाया कि अपने को ये 5,000 ब्लड तो हमसे कम से कम बॉटल जमा करके देना है। तो हम उसमें सब लोगों ने, पूरे होटल इंडस्ट्री ने एक साथ खड़े होकर हाँ कहा है, हम लोग उसके लिए साथ देने को तैयार है। हम हमेशा से राज्य सरकार रहे या केंद्र सरकार, जहाँ पे ज़रूरत है हमारा इंडस्ट्री की तरफ से हम पूरी तरह से सहकार्य करने को तैयार होते हैं। लेकिन हमारे साथ में अभी ये दुख ये चल रहा है कि अभी हमारे इंडस्ट्री के भाई लोगों का जो 8 बजे बंद करने का जो स्थिति चल रहा है, ये नाइट कर्फ्यू जो चल रहा है, इसमें बहुत भयानक परिस्थिति हुआ है कि इसमें 10% ही बिजनेस नहीं हो रहा है। लोग एक हम लोग को लॉकडाउन जैसा ही परिस्थिति हो चुका है, सरकार ने भले लॉकडाउन नाइट कर रखा है लेकिन हमको टोटली लॉकडाउन की परिस्थिति भी चल रही है।
ऐसे में सरकार से ये कि सर ऐसा नहीं बोलता कि सरकार भी कोई ये कर रही है करके, सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। काफ़ी हम लोगों को प्रॉमिस किया गया है कि हमको रियायत देंगे, ये सब करेंगे। हम ये उम्मीद लगा के बैठे कि सब कुछ रियायत होगा, मैं लाइसेंस फीस में हमने इंस्टॉलमेंट वगैरह मांगा हुआ है, काफ़ी लाइसेंस में रियायत देने की बात कही है सरकार ने। हम आस लगा के बैठे कि सरकार कुछ करेगी। अभी चलो उनका ये कोरोना का समय में हम एक दूसरे को साथ देना है, तो हम भी चाहते कि हम बिल्कुल आपके साथ में हैं, पूरा इंडस्ट्री आपके साथ में। आप जब जब भी कहोगे, जिस तरह से भी हम जब भी लॉकडाउन हुआ था उस दिन भी हमने डे वन से लोगों का सेवा में हम लगे हुए हैं, लोगों का सेवा करते रहे हैं। जहाँ जहाँ जरूरत है लोगों को अनाज बांटा गया, खाना बना के दिया गया, हर डिपार्टमेंट को दिया गया, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो या राज्य सरकार के कर्मचारी हो या पुलिस डिपार्टमेंट, हर किसी को हमने वो दिया है। और सरकार ये आगे भी रहेगा, लेकिन हाथ जोड़ के हम सरकार से ये विनंती करते हैं कि हमारे इस वक्त हमको आपके ज़रूरत है, हमारे लोगों को बचाए, हमारे नौकर वर्गों को, हमारे नौकर वर्ग पलायन करेंगे, अगर इस बार पलायन करेंगे तो वो आएंगे नहीं, वो उनको डर लगेगा भी, यहाँ पे कुछ गारंटी नहीं, इस तरह का नौबत नहीं आए। इसलिए हमारे तय दिल से हम सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो कुछ हद तक हमको हेल्प किया है, आने से वाले समय में हमको अच्छे से हेल्प करे, ये चीज़ों से हमको बाहर निकाले, हमको टाइमिंग बढ़ा के देवे, हम रिक्वेस्ट करते हैं। थैंक यू। जैसे शरीर के लिए तंदुरुस्त के लिए आहार चाहिए, उसी हिसाब से शरीर के लिए सबसे ज़्यादा ब्लड का ज़रूरत पड़ता है। अगर कोई बीमार हो तो उसका पहला ब्लड चेक किया जाता है। वो ब्लड वैसे भी अपना राज्य सरकार ने कल अनाउंसमेंट किया था, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी उसका बड़ा आर्टिकल आया था। इसी हिसाब से अपना काजदार जैसा MP श्री गोपाल शेट्टी सर ने उसका अनाउंसमेंट किया है, जैसा ये कर्मभूमि हम सब लोग आए हैं, कर्मभूमि हम लोग पहला सरकार का बारे में भी सोचते हैं। इसी प्रकार में जैसा सरकार हमारे ऊपर एक आशा रखा है कुछ कर सकता है, इसी प्रकार में इंडियन होटल एसोसिएशन, बंड संघ, इसी प्रकार बिलावर एसोसिएशन ये आयोजन किया है। आज कहीं यहाँ पर लोग आकर जैसे रक्तदान किया हुआ है, इसी प्रकार हम आगे भी चाहता है ये सबको एक इंस्पिरेशन हो, सभी लोग ब्लड डोनेशन करें। ब्लड डोनेशन करने से एक जान को हम बचा सकते हैं, एक जान बचने से एक फैमिली बच सकता है। इसलिए आज इतना बड़ा ताकत में सब लोग आकर से ब्लड डोनेशन किया है। हम भी बिलावर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी होते हुए मेरा भी ये है कि तो हम लोग भी आगे भी इस काम को आगे बढ़ाएंगे। जैसा गोपाल शेट्टी सर का जो भी आशा है उनका साथ में हम मिलकर काम करेंगे। यहाँ के जैसे ये होटल का ओनर हरीश शेट्टी जी है, उन्होंने बहुत इसका नेतृत्व लिया है, उनका साथ हमेशा हम लोग भी रहेंगे बोल के ये हमारा ये आशा है। धन्यवाद। पहले बात है मुंबई के दो प्रतिष्ठित दो समाज है, बंड संघा और बिलावर एसोसिएशन, उसका साथ में जो अन्नदाता बोलते हैं, जो आहार मुंबई के होटल एसोसिएशन है, हम लोग तीनों मिलके इतना बड़ा एक ब्लड डोनेशन का कैंप हम लोग ने आयोजन किया आज। मैं वसई तालुका से यहाँ पे आया हूँ, उधर भी हम लोग ने कुछ दिन पहले हमारा जो नेता श्रीमान हितेंद्र ठाकुर जी का मार्गदर्शन से और हमारा यंग शासक महोदय क्षितिज ठाकुर जी का मार्गदर्शन में हम लोग ने उधर भी ब्लड कैंप का आयोजन करके कम से कम एक 200 बॉटल का हम लोग ने वसई तालुका में हम लोगों आयोजन किया। मैं व्यक्तिगत बोलने के जा रहा हूँ तो मैं बिलावर एसोसिएशन का यूथ का कोऑर्डिनेटर हूँ और विरार नालासोपारा कर्नाटक संस्था का अध्यक्ष है आज के दिन में। तो इधर भी हमारा जो यूथ का टीम इधर आके बंड संघ के साथ में हम लोगों को जो ये कार्यक्रम आयोजन किया है, यूथ को इतना कहना चाहता हूँ जितना भी यूथ आगे आए, क्योंकि आज के दिन में यूथ का ज़रूरत है समाज को। जैसे उद्धव ठाकरे जी ने कल उन्होंने अपील किया सके इतना मदद पब्लिक को दे सकते हैं, क्योंकि आज के दिन में जैसे अपने को इन्फॉर्मेशन मिला 7 दिन तक का जो ब्लड खाली अवेलेबल है, फर्दर ब्लड अपने को ज़रूरत पड़ेगा। इसका हमारा यही कोशिश है ऑल ओवर महाराष्ट्र में यूथ थोड़ा आगे आके ये समाज को जो ज़रूरत है आज के दिन में, जैसे पेट के लिए अपना सेक्रेटरी साहब ने जो बताया, जैसे पेट के लिए अन्न चाहिए आहार चाहिए, ऐसे जो ब्लड अपने को आज के दिन में ब्लड और प्लाज्मा ये दोनों ज़रूरत है, क्योंकि ये आज का जो कोविड का दिन है इससे अपने को संभाल कर रहना तो ब्लड और प्लाज्मा का बहुत ज़रूरी है। इसके लिए युवा पीढ़ियों से युवा जनों से मेरा निवेदन है, कृपया करके आगे आके जितना भी ब्लड आप लोग दे सकते हैं आप दे दीजिए, और गवर्नमेंट से और उद्धव ठाकरे जी से मेरा एक निवेदन है, आप भी जनता का भला के लिए आप एक ध्यान रख लीजिए, क्योंकि जनता आपके साथ है। आप जो भी निर्णय लेते हैं जनता आप उसको स्वीकार करते हैं, जो जनता का भला के लिए आपको जो होटल इंडस्ट्री का जो नियम ने रखा है अपने 8 बजे तक का, इससे होटल इंडस्ट्री सर्वाइव नहीं होएगा,
जहाँ तक हम लोगों का जो बात है, वैसे तालुकों में भी ऐसे 8 बजे तक जो पुलिस वाला आके हम लोग को बहुत उधर बहुत हैरान करता है, ताकि उधर पार्सल अलाउड है 11 बजे तक है, तो भी उन्होंने पुलिस वाला आके हम लोगों को बहुत तकलीफ देता है। हमारा जो स्टाफ को उठा के पुलिस स्टेशन में लेके जाके 11-11 रात भर उधर बिठा के बहुत टॉर्चरिंग करता है। ये उद्धव ठाकरे जी से विनंती है, इसके बारे में आप सोच लीजिए और जनता का फायदा और जनता का सुविधा आपका हाथ में, जनता आपके साथ में, आपको चुन के जनता आपने दिया, आपको जनता का भी सेवा का ध्यान में रखना चाहिए। और होटल एसोसिएशन के लिए जो टाइमिंग दिया आपने 8 बजे का टाइमिंग हटाकर कम से कम 11 बजे का टाइमिंग रखने का हमारा एक निवेदन है। और ऑल ओवर महाराष्ट्र में जो लॉकडाउन के लिए मैं सहमत नहीं हो, क्योंकि लॉकडाउन बोलेगा तो खत्म हो जाएगा पूरा इंडस्ट्री, आम आदमी जी नहीं पाएगा इसके लिए। इसके लिए उद्धव जी से और सरकार से मेरा निवेदन है, वसई तालुका का समस्त पूरा जो समाज है उधर का सबके तरफ से मेरा निवेदन है, आप जो आपका जो डिसीजन है आप चेंज कीजिए, इतना कृपया धन्यवाद। वहीं सांसद गोपाल सेट्टी भी सरकार से काफी खफा नजर आए। हमारी रिपोर्टर से बातचीत में उन्होंने लॉकडाउन का विरोध करते हुए कहा कि यह कोई समाधान नहीं है, राज्य में लॉकडाउन की घोषणा आत्मघाती होगी। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। मेट्रो मुंबई में खबरों का सिलसिला लगातार चलता रहेगा, जुड़े रहिए मेट्रो मुंबई के साथ। नमस्कार।